तो देखो प्यारे बच्चों ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या कर रहे हैं कि अब देखो इसमें बेसिकली क्या है कि फोर पार्टिकल है हर एक का मास म है तो ये फोर पार्टिकल है इसका भी मास म है और ये फोर पार्टिकल है इसका भी मास, म है, और इसका भी मास म है और ए भी एक पार्टिकल है इसका भी मास म है और ए भी एक पार्टिकल है इसका भी मास है ये चारों के चारों ठीक है एक स्क्वायर इस टाइप से एक सर्कल पे है और एक सर्कल के सर्कम पे ऐसे सर्कुलर मोशन परफॉर्म करें जिसका सेंटर से डिस्टेंस ये वाली कुछ होगी वी डोंट नो अबाउट एक्स ठीक है से एक्स इज द रेडियस स्क्वायर की साइड दिया हुआ है अंडर द मोचुअल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड स्पीड तो उसकी स्पीड ऑफ इच पार्टिकल हर एक पार्टिकल की स्पीड निकालनी है तो ये कितनी स्पीड से इधर जा रहा है उसकी हमें कैलकुलेशन करनी है देखो सिंपल सा लॉजिक है कई बार आया है एक क्वेश्चन कि अगर ये जो पार्टिकल है सर्कल में चल रहा है तो इस पर नेट जो सेंटिपिटल फोर्स होगा इधर वो तो चाहिए ही चाहिए ना वो कहाँ से आएगा नेट ग्रेविटेशनल फ़ोर्स ही इसको नेट सेंटिपिटल फोर्स देगा तो नेट ग्रेविटेशनल फोर्स किसका किसका होगा तो नेट ग्रेविटेशनल फोर्स से किसका अट्रैक्शन होगा एफ और इसका अट्रैक्शन होगा एफ़ और एफ वन और एफ टू आपस में बराबर होंगे जिनकी वैल्यू होगी जी एम स्क्वायर ओवर ए का स्क्वायर और ये जो डायगनली अट्रैक्ट करेगा अगर स्क्वायर की साइड ए है तो डायगनल कितना हो जाएगा ए रूट टू ये डायगनल हो जाएगा ए रूट टू तो जो डायगनली अट्रैक्ट करेगा तो वो तो नेट फोर्स जब तुम कैलकुलेट करोगे तो नेट फोर्स की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी रूट टू बाई इसका एफ वन और एफ टू का रिजल्टेंट तो रूट टू जी कैपिटल एम स्क्वायर ए ये एफ वन और एफ टू प्लस ये डाइगनल वाला यार डाइगनल वाला इज इक्वल टू जी मास जी एम स्क्वायर और ए रूट टू का होल स्क्वायर दिस इज द नेट फोर्स तो ये जो नेट फोर्स है यही सेंटिमिटल फोर्स किसी पार्टिकल को देगा तो यहाँ से जब मैं कॉमन कॉमन ले लूँगा तो जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर यहाँ से कॉमन आ गया और ब्रेकेट के अंदर बचा रूट टू तो जी एम स्क्वायर यहाँ से ये यह तो जी एम स्क्वायर प्लस तो वन बाई ए स्क्वायर टू यहाँ बचा और दिस इज सेंटिपिटल फोर्स की जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ से तो सेंटिपिटल फोर्स की जो वैल्यू आ जाएगी वो मास एम और लीनियर स्पीड भी स्क्वायर ओवर रेडियस तो रेडियस कितना हो जाएगा तो एक्स की वैल्यू जो रेडियस आ जाएगी रेडियस वो डाइएग्नल की आधी हो जाएगी तो ए रूट टू डिवाइडेड बाई टू मतलब ए बाई रूट टू तो ए बाई रूट टू तो यहाँ से ए बाई रूट टू ये यहाँ से स्पीड निकाल लो तो एम ने एम को एक एम ने खत्म कर दिया एक ए को एक ए खत्म कर दिया तो यहाँ से जो स्पीड जो दिखेगी वो आ जाएगी जी एम अपन जी एम अपन ए और यहाँ से तुम देखोगे तो ये टू रूट प्लस वन डिवाइडेड बाई टू रूट टू अंडर रूट तो ये सब कुछ अंडर रूट आ जाएगा और यही इसकी स्पीड होगी तो यहाँ से तुम टू रूट टू अंडर रूट अब ये जो है स्पीड सॉल्व करोगे तो जी एम अपॉन ए इसको साइड में रहने दो कुप्चे में इधर रहने दो और ये आ जाएगा वन प्लस वन बाई टू रूट टू अंडर रूट ठीक है तो ये सबकी जो वैल्यू रखोगे सबकी जो वैल्यू रखोगे तो ये वेलोसिटी भी किया जाएगा वन पॉइंट वन सिक्स जी एम ओवर ए अंडर उज द फाइनल सोल्यूशन पुट द वैल्यू एंड लेट लेटेस्ट कैल्कुलेट योर सेल्फ गेट द फाइनल सोलूशन एंड वन पॉइंट वन सिक्स ये फाइनली इसकी वैल्यू आ जाएगी दैट इज़ हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो